मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। श्री राम जी का छोटा सा संकीर्तन गाते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सियावर राम चंद्र की जय। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिः ॐ। आज का जो सत्संग है रामचरितमानस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो आज का प्रसंग है भरत जी और भरत जी की भक्ति हमने देखी, फिर भरत जी जाकर राम जी से मिले, फिर राम जी से उन्होंने बहुत विनती की वापस अयोध्या आने के लिए, लेकिन राम जी तो अपने वचन के पूरे पक्के हैं। तब जब राम जी आने से अभी नहीं होने वाला है, तब भरत जी ने उनकी पादुका को मांग लिया और वो पादुका साथ में लेकर के अयोध्या के राज सिंहासन पर उनको विराजमान किया और बस एक सेवक की तरह अभी वो अयोध्या में सब कारोबार देख रहे हैं। इधर श्री राम जी ने चित्रकूट को छोड़ करके अभी फिर से प्रवास शुरू किया है और अभी आते हैं
अगस्त ऋषि के आश्रम में। और अभी देखिए आगे वहां से कहां जाने वाले हैं, बस इसी प्रसंग में हम देखने वाले हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठी थाए, हरि बिलो की लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। ये प्रसंग है अरण्य कांड का और दोहा नंबर 11 के बाद में चौपाई नंबर 5 जो हमने अभी पढ़ी है। कहते हैं सुनत अगस्त तुरंत उठी था। जब अगस्त मुनि जी को पता चला कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उनके आश्रम में आ रहे, हरि बिलो की लो चन जल छाए, तो जैसे ही उन्होंने भगवान को, हरि को देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। मुनि पद कमल परे दौ भाई, श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही मुनि के चरणों में गिर गए, नमस्कार किया। ऋषि अति प्रीति लिए उर लाए, बहुत प्यार से दोनों को उठा करके गले लगाया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। सब तरफ से कुशल मंगल पूछा, बैठने के लिए आसन दिया, पानी फलहार हुआ, तब रघुनाथ जी ने क्या पूछा। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानहु जेहि कारण आयहु, ताते तातन कहीं समझायहु। बहुत सुंदर बात रघुवीर श्री राम जी कह रहे हैं, हे मुनि जी, आपसे कुछ दुरावा तो है ही नहीं, जैसे मेरे मन में जो कल्पनाएं हैं, जो विचार है, वो सब आपको पता ही है। तुम जान हो जे ही कारण आया हूं, मैं अभी यहां वन में और आपके पास क्यों आया हूं ये तो आप जानते ही हो, फिर भी अभी मैं कुछ पूछता हूं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जे ही प्रकार मारहु मुनि द्रोही। श्री राम जी कह रहे हैं अगस्ती मुनि को कि अभी मुझे ऐसा कुछ मंत्र बताइए कि जिसकी वजह से मैं मुनि द्रोही, यानी सारे के सारे बदमाश, जो राक्षस वृत्ति के हैं और जो राक्षस कुल के हैं और जो बहुत लोगों को, मुनियों को सताते हैं, ऐसे सारे द्रोहियों को मैं मार सकूं। तब अगस्त्य मुनि जी ने बहुत सुंदर बातें कही है, उसमें का एक सुंदर दोहा हम पढ़ने वाले हैं। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हो मोहि मनुज की नाई। श्री राम जी, आप तो सारे विश्व के पति हैं, सारे लोक, यानी एक तरफ से ऐसा भी सोचा जा सकता है कि अनेक जो लोक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऊपर और 7 नीचे, इन सब के जो महेश्वर है, जो पूर्ण इस विश्व के आधार है, जो विश्व के नियंता है भगवान, वो तो आप ही हो, और एक मनुष्य के भांति आप मुझे पूछ रहे हो। यह बर मांगो कृपा निकेता, बस हृदय श्री अनुज समेता। पहले तो मैं कुछ मांग लूं बताने से पहले, और वो मांग क्या रहे हैं,
कि बस मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम प्रेम और प्रेम भक्ति हमेशा रहे और आप हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। अभी देखिए जो भी राम जी से मिल रहे हैं, पहले हमने देखा था कि भरद्वाज मुनि जब राम जी से मिले तब उन्होंने यही मांगा। फिर उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी मिले, तब भगवान राम जी ने सवाल पूछा था कि मैं कहां रहूं, तब उन्होंने कहा कि बस भगवान जिनके हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है, जो किसी से भी कभी भी कोई भी गलत बात नहीं करते हैं, जो धर्म से चलते हैं और जो सबसे प्यार करते हैं, ऐसे सबके हृदय में आप हमेशा विराजमान रही। अभी अगस्त्य मुनि ने भी वही मांगा है। तो इस सुंदर भक्ति में ज्ञान में ग्रंथ से और संत वाणी से हमने जो सीखना है, बस वही छोटी छोटी बातें लगती तो है, लेकिन उसका जो महत्व है उसका तो वर्णन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बात अगर हमको समझ में आ गई कि भगवान से हमने क्या मांगना है, भगवान से हमने क्या मांगना है, तो यहां हर कोई सिर्फ एक और एक ही चीज मांग रहे हैं और वो है भगवत भक्ति, भगवत चरणों में समर्पण। बस दूसरा कोई भी विचार यहां किसी के मन में है नहीं। साक्षात स्वयं पूर्ण विश्व के नियंता उनके सामने खड़े हैं, वो कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन इस जगत की न कोई वस्तु मांगी, न अपने लिए कोई सुख का साधन मांगा, मांगी तो बस भक्ति और हृदय में उनका हमेशा वास रहे। ये सुंदर बात करके अभी अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं कि राम जी, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु, आप जहां भी जाओगे वो स्थान तो पूर्ण पवित्र हो जाएगा। हमारी विनती है पावन पंचवटी ते ही नाहू, तो एक दंडक अरण्य है, बड़ा घना जंगल है, जहां पंचवटी ऐसे सुंदर स्थान है, वहां गौतम ऋषि के वजह से सब सुनसान सब ऐसा एक स्थान है, तो भगवान वहां बहुत राक्षसों का भी स्थान है, तो आप वहां जाइए और वहां जाकर के इस सारे राक्षसों को जो उपद्रव है, सारे मुनि जनों को जो सताते रहते हैं, तो आप भगवान वहां उनका पूरा के पूरा नाश करिएगा। बस भगवान जी को तो संदेशा चाहिए था, भगवान जी तुरंत वहां से चले और बास करहु तह रघु कुल राया, कीजे सकल मुनि न परताया, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचबटी निअराई। जो अगस्त मुनि की विनती सुनी और तुरंत ही वहां से उन्होंने प्रस्थान किया और पंचवटी आ गए
और पंचवटी आकर कौन मिलता है? दोहा नंबर 13 अरण्य कांड। गीध राज सई भेट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पहले ही पहले वहां जाकर के जब निवास पूरी तरह से तैयार हो गया तो गीधराज जटायु से मुलाकात हुई और मिलते ही मिलते प्रेम भी बढ़ गया। और भगवान तो ऐसे जल्दी से सबको अपना मित्र बना लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सुंदर बातें वहां गीधराज से हुई और उनका प्रेम दोनों का बढ़ गया। जब ते राम की न तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा, गिरिबन नदी ताल छबि छाए, दीन दीन प्रति अति होई सुहाए। जहां राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी वास कर रहे हो तो वहां क्या, तो कहते हैं सुखी भये मुनि बीती त्रासा। सारे मुनि जन, सारे तपस्वी लोग जहां पंचवटी एरिया में रहते थे, सबका जो ताप था वो सब दूर होते चला गया और सब लोग कैसे हैं, सुखी भये, बड़े आनंद में रहने लगे। कहा है सुंदर पर्वत की वहां बहुत सारी ऐसे लहरी जैसे लग रही है, बहुत सारे पर्वत शिखर वहां है। बन नदी ताल छबि छाए, बहुत सुंदर तालाब है, गोदावरी नदी है, दीन दीन प्रति आई हुई सुहाए, सब लोग आनंद मंगल कुशल होके रह रहे। और ऐसे एक दिन लक्ष्मण जी ने कुछ श्री राम जी से पूछा, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचरा चर साई, मैं पूछहु निज प्रभु की नाई। एक बार राम जी आराम फरमा रहे थे, आराम से बैठे थे, तब लचन जी ने ये बिना कपट के सुंदर ऐसे वचन, मधुर वचन श्री राम जी से बोले, सुर नर मुनि सराचरा चले जाए, हे भगवान, हे राम जी, आप तो इस चराचर के स्वामी हो, मैं पूछू निज प्रभु की नाय, कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं? मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। मुझे कुछ बातें आप समझा दो ताकि मेरा मन आपके श्री चरणों में सदा ही लगा रहे और मैं सदा ही बस आपकी ही सेवा कर सकूं। क्या पूछा? कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जही दाया। हे राम जी, आप मुझे ज्ञान वैराग्य माया तथा जीव क्या है ये बताइए, वैसे ही ये भक्ति और भक्ति कैसे करनी चाहिए ये भी आप मुझे बताइएगा। क्या क्या पूछा? ज्ञान वैराग्य जीव माया और भक्ति, तो इतनी सारी बातें आप मुझे कहिए, अगर ये बात सब मुझे समझ में आ गई तो मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी और मेरी सेवा निरंतर मैं आपके श्री चरणों की करते रहूंगा। तभी
दोहा नंबर 14 अरण्यकांड। भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं ईश्वर और भेद ये दोनों भी मैं समझा कर कहने वाला हूं, और वैसे ही जिसको प्रभु चरणों की प्रीति हो जाती है तो उससे क्या चला जाता है भला? सो का मोह भ्रम जाई, तो उस व्यक्ति का शोक यानी दुख, मोह और भ्रम ये तीनों चले जा सकते हैं, चले नहीं भ्रष्ट नष्ट हो जाते हैं। अभी श्री राम जी सुंदर बातें कह रहे हैं, यहां हमने ध्यान से सुनना है। भगवान भी लक्ष्मण जी को यही संदेशा दे रहे, थोरे ही मह सब कहो बुझाई, सुनत तात मति मन चित लाई। श्री राम जी कह रहे हैं अभी मैं थोड़े ही इसमें आपको सब समझा करके कह देता हूं, तुम मन और चित्त लगा करके इसको सुनना। क्या कह रहे? मैं अरु मोर तोर तई माया, जेही बस कीने जीवनी काया। देखो क्या सुंदर बात कही है, मैं अरु मोर तोर तई माया। तो लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है ये मुझे बताना, तो कहते हैं मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। जे ही बस कीन जीवनी काया, इसी वजह से इस माया ने सब जीवों को अपने वश में करके रखा है। अभी देखिए इस बात को हम समझते हैं कि मैं ये किस बात से हम करते हैं। तो ये जो मैं है, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसका कारण एक और एकमात्र है, और वह है हमारा अहंकार, ईगो। तो ईगो की वजह से परिणाम क्या हो रहा है तो ध्यान में रखिएगा, ये अहंकार कहता है कि शरीर मन और बुद्धि मैं हूं, शरीर मन और बुद्धि मैं हूं, और जब शरीर मन और बुद्धि अगर मैं हूं तो ये तो मेरा हो गया, ये हाथ मेरा, ये आंखें मेरी, ये शरीर मेरा वगैरह वगैरह। और जब ये मेरा है और इस शरीर से जो जो जुड़े हैं वो सब मेरे हैं। देखो एक उदाहरण हम आपको देते हैं, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे जो अपने हैं वो कौरव और वो पांडव, वो यानी देखो ये मेरे और वो हो गए। तो ये कहां से आया? ये आ गया है, ये है माया का पूरा के पूरा ऐसा एक, जिसको कह सकते हैं स्पेल। माया ने ऐसा जाल बिछाया है कि उसकी वजह से सारे लोग अज्ञानता में पूरी तरह से ग्रस्त है, और उसका परिणाम ही माया करती है ये मैं मैं
मेरा मेरा, तू तू, तेरा तेरा, जब मैं होगा तो राग राग यानी आसक्ति होगी, तू तू, तेरा तेरा यानी डिसलाइक होगा, यानी द्वेष की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। अभी देखिए, ये राग और द्वेष, इसको समझना बहुत जरूरी है। जिसके भी मन में राग होता है, जिसके भी मन में राग यानी आसक्ति होती है अपने प्रति या अपनों के प्रति, तो होता क्या है? अगर मैंने कुछ गलती की भी तो मैं समझता हूं कि ये गलती तो बस होनी ही है, और गलती कभी मैं मानता नहीं हूं। फिर क्या है, मैं उस गलती का समर्थन करने लगता हूं। क्यों? क्योंकि अपने आप से है इतनी आसक्ति कि कोई भी गलत बात भी अगर है तो वो भी सही लगने लगती है, सही दिखने लगती है। वैसे ही अपने लोग, अगर उनमें दोष है तो वो दोष नहीं दिखते, वो दोष गुण करके दिखते हैं। और अगर पराए लोगों में तू और तेरा, पराए लोगों में गुण भी है तो वो हमको दोष करके दिखते हैं। देखो क्या हो गया। तो होता ये है कि जो दोष है अपने लोगों में वो गुण करके हम देखते हैं, और जो पराए लगते हैं उनमें गुण भी है तो हम उनको दोष करके देखने लगते हैं। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है इस माया की वजह से। देखिए, यह है राग और द्वेष का परिणाम, और यह है मैं मेरा। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि कभी किसी ने गलती की और हमने अगर उसकी गलती को पहचान लिया और उसको समझाने की कोशिश की तो तुरंत पहले निकलता, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं। और अगर समझो मान भी लिया कि मैंने किया तो लोग उसका समर्थन करने लगते हैं। तो हम सब ने, भगवान के भक्तों ने ये जानना है कि जब गलती होती है तो तुरंत माफी मांग करके उसका सुधार होना चाहिए। कोई भी गलती क्यों ना हो, पहले तो जिसके साथ हमने व्यवहार किया उसको हमने माफी मांगनी है, और फिर भगवान से माफी मांगनी है, और भगवान से प्रार्थना करनी है, तथा भगवान को वचन देना है कि ये गलती दोबारा मैं नहीं करूंगा। तो देखो, जे ही बस कीने जीव निकाया, तो जीव लक्षण यही है कि इतना ज्यादा इस मन और बुद्धि पर ऐसे ये माया का परिणाम छाया हुआ है कि ये कभी उससे बाहर निकल ही नहीं सकती है। मैं मेरा और तू तू तेरा, ऐसे पूरी तरह से थॉट फिक्सेशन हो गया है। कितनी सुंदर बात कही है। आगे देखते हैं, गो गो चर जा लगी मन जाई, सो सब माया जाने उभाई, ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। राम जी कह रहे हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई, इंद्रियों के विषयों को और जहां तक ये मन जाता है तो उस सब को, हे भय प्राता, हे लक्ष्मण, तुम माया ही समझो। अभी देखो, इंद्रियों से जिस चीज का पूरी तरह से आकर्षण बना हुआ है, इंद्रियों में सारे चीजों का आकर्षण बना हुआ है, तो वो चीजें क्या है? बस इस जगत के पदार्थ है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि इस मन से और इस शरीर से, मीन्स इंद्रियों से, जो भी आपको दिखता है और जो कल्पना होती है, सब के सब माया का ही खेल है। सोच सकते हैं, उपनिषदों में कहा है, मनैव मनुष्याणां
कारण बंधन मोक्षियो। बोले यही मन जब माया के पूरी तरह से परिणाम में रहता है, माया के स्पेल में रहता है, तो यही बंधन का कारण होता है। और जब यही मन प्रभु चरणों में समर्पित किया जाता है और संपूर्ण शरणागति की वजह से अहंकार नष्ट हो जाता है, तब यही मन मोक्ष का भी कारण बन जाता है। तो कहते हैं ये माया में दो चीजें हैं, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दू। लखन, हे भैया देखो, दो प्रकार की माया है। एक है जो है अपरा माया और एक है परा माया। तो दो तरह की माया बता दी। एक है कि जो सब लोगों को पूरी तरह से सत्य से दूर रखती है और असत्य को ही विक्षेपित यानी प्रोजेक्ट कर देती है, प्रकाशित करती है। लेकिन दूसरी भी माया है। वो कौन सी माया है? वो विद्या माया है, जिसकी वजह से हमारे मन में विवेक जागृति होती है और ये विवेक ही आगे चल के हमारे जीवन में सत्संग लाता है और प्रभु की महिमा को समझने में बहुत मदद करता है। तो लखन जी को राम जी ने आज दो सुंदर बातें कही। एक तो ये माया क्या चीज है, तो हमने जानना चाहिए कि जब तक मैं करता रहूं, मेरे करता रहूं मैं, और ये वो करता रहूं, तो ये सब माया की वजह से हो रहा है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक ये मैं को पूरी तरह से भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयत्न करना है। और दूसरी बात भगवान ने कही कि कहां माया है, जो भी जगत में दिख रहा है, ये इंद्रियों, ये सारी इंद्रियां जिस चीजों से आकर्षित हो रही है, ये सब और सब माया का ही परिणाम है। तो अविद्या माया तो ये जीव को बांधती है, पर माया का दूसरा भी सुंदर ऐसा परिणाम है जो है विद्या माया, जो इस जीवों को छुड़ाती भी है। तो आज हम यहां रुकने वाले हैं और हमारे नेक्स्ट सत्संग में, आगे आने वाले सत्संग में हम देखने वाले हैं कि श्री राम जी वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के बारे में क्या कहने वाले हैं। वैसे तो आज हमने इतनी सुंदर बात श्री राम जी से समझी और अगस्त मुनि जी से भी जानी कि भगवान से अगर मांगना है तो बस भक्ति मांग। भगवान तो जब भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो इस जगत में क्या अपूर्णता रह सकती है? सोचिएगा। भगवान का नाम स्मरण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय
जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग हमारे साथ इस सत्संग में जुड़े। सभी पर भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद रहे, यही श्री चरणों में प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय सियाराम।